Good morning students, welcome to the online classes of computer science. Today we are going to learn about chapter 1, computer, a machine. So, our first question is what is a computer? Computer kya hai? A computer is an electronic machine. Computer kya hai? Wo electronic machine hai. That helps us to do different types of work. जो हमारी हेल्प करता है डिफरेंट टाइप्स के वर्क करने में लाइक प्लेइंग गेम्स गेम्स खेलने के लिए वॉचिंग वीडियोस, वीडियोस देखने के लिए लिसनिंग म्यूजिक म्यूजिक सुनने के लिए सेंडिंग ईमेल्स ईमेल्स भेजने के लिए ड्राइंग पिक्चर्स पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए एक्सेट्रा ओके okay? नाउ अ फर्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर कंप्यूटर के क्या फीचर्स हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट इज़ अ कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंप्यूटर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे टाइम तक अपने पास सेव करके रख सकता है अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है अ कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट वन टाइम आप कंप्यूटर में एक टाइम पे बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो जैसे आप म्यूजिक सुनते सुनते कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही में आप ड्राइंग कर सकते हो या कोई और काम भी कर सकते हो ओके अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स हम कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट्स बताता है इट नेवर मेक मिस्टेक्स वो कभी कोई गलती नहीं करता अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स कंप्यूटर बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकता है इट नेवर गेट्स टायर्ड वो कभी नहीं थकता नाउ अ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंप्यूटर इन मैन सो वॉट इज़ अ कम्प्यूटर इट इज़ ऑल्सो अ स्मार्ट मशीन वो एक स्मार्ट मशीन है मेड बाय मैन किसने बनाया है उसको ह्यूमन्स ने ठीक है तो ह्यूमन्स और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है फर्स्ट कंप्यूटर नेवर फॉरगेट एनी थिंग ठीक है कंप्यूटर कभी कुछ नहीं भूलता ह्यूमन्स कभी कभी भूल जाते हैं ठीक है सेकेंड अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता और ह्यूमन से कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर डेज है ना कंप्यूटर बहुत दिनों तक भी काम कर सकता है लेकिन ह्यूमन्स काम करते करते थक जाते हैं ठीक है ठीके? और अ कम्प्यूटर कैन नाट टेक इट्स ओन डिसीजनस लेकिन कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता और ह्यूमन्स अपने आप से डिसीजन्स ले सकते हैं नेक्स्ट अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती न कंप्यूटर हैप्पी होता है ना सैड होता है ठीक है वाई बिकॉज इट इज़ अ मशीन नेक्स्ट अ कंप्यूटर वर्कस फास्टर दैन अ मैन कंप्यूटर ह्यूमन से तेज काम करता है है ना अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन सोल्व हंड्रेड्स ऑफ सम इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स कम मॉडर्न कंप्यूटर बहुत सारे सम बहुत जल्दी सोल्व कर सकता है ठीक है नाउ अ नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ अ कंप्यूटर कंप्यूटर बहुत सारे प्लेसेज में यूज होता है जैसे सबसे पहले कहाँ यूज होता है एट होम होम्स में हम क्या कर सकते हैं गेम्स प्ले कर सकते हैं म्यूजिक सुन सकते हैं मूवीज देख सकते हैं होमवर्क कर सकते हैं और स्कूल्स में स्कूल्स में किस लिए लाइब्रेरी में यूज होता है बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं ना उनका रिकॉर्ड रखने के लिए और टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और आपके स्कूल में कितने टीचर्स और कितने स्टूडेंट्स हैं उनका भी रिकॉर्ड कंप्यूटर रखता है और टू मेक टाइम टेबल एंड प्रिपेयर वर्कशीट्स टाइम टेबल बनाने के लिए और वर्कशीट्स बनाने के लिए ठीक है नाउ नेक्स्ट कहाँ यूज़ होता है ऑफिस में ऑफिस में कहाँ टाइप करने के लिए लेटर्स को और प्रिंट करने के लिए और ऑफिस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको स्टोर करने के लिए एंड टू सेंड ई ईमेल्स मेल्स ई मेल्स भेजने के लिए और कहाँ यूज़ होता है इन शॉप्स शॉप्स में आप शॉपिंग करने जाते हो फिर शॉपिंग करने के बाद जब शॉपकीपर आपको बिल देता है वो किसकी हेल्प से बनता है कंप्यूटर की हेल्प से और कहाँ यूज़ होता है इन बैंक्स बैंक में कस्टमर्स का अकाउंट मेंटेन करने के लिए लोग बैंक में आके पैसे जमा करते हैं ना उनका रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक में कंप्यूटर यूज़ होता है और टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दी एटीएम एटीएम से पैसे निकालने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है ठीक है कंप्यूटर एटीएम के अंदर ही फिक्स होता है ठीक है नाउ और कहाँ यूज़ होता है एट हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स में किस लिए पेशेंट्स की डिटेल रखने के लिए ठीक है और डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए ताकि वो नई डिजीज़ और उनके बारे में पता कर सकें ठीक है और पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने के लिए नेक्स्ट कहाँ यूज़ होता है डिजाइनिंग में आप कंप्यूटर की हेल्प से क्लोथ्स को डिज़ाइन कर सकते हो कार्स को डिज़ाइन कर सकते हो ठीक है मशीन्स और बिल्डिंग्स और इवन आप कम कार्टून फिल्म भी बना सकते हो ठीक है अब आप लोगों की जो बुक्स हैं वो भी किसकी हेल्प से प्रिंट होती है कंप्यूटर की हेल्प से उनकी डिज़ाइनिंग किसकी हेल्प से होती है कंप्यूटर की हेल्प से और कहाँ यूज़ होता है स्पेस रिसर्च में स्पेस रिसर्च में कैसे रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए किसकी हेल्प लगती है कंप्यूटर की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए स्पेस के बारे में रिसर्च करने के लिए किसकी हेल्प लगती है कंप्यूटर की ओके okay. और कहाँ यूज़ होता है एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स पे आप लोग ट्रैवल करने जाते हो ना तो वहाँ कैसे ट्रैवल करते हो टिकट की हेल्प से ना तो टिकट किस की मदद से बुक होता है कंप्यूटर्स की हेल्प से और आपको कंप्यूटर की हेल्प से ही ट्रेन्स और एयरप्लेन्स की टाइमिंग्स पता चलती हैं कि ट्रेन कब आएगी या प्लेन कब आएगा और ट्रेन और प्लेन कब जाएगा ओके स्टूडेंट्स नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं ओके okay? सो so, अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर्स बेसिकली थ्री टाइप्स के हो सकते हैं ओके नाउ लुक एट योर बुक द फर्स्ट टाइप इज डेस्कटॉप कंप्यूटर ओके डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है इट डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर विच इज़ केप्ट ऑन अ डेस्क और अ टेबल डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसको हम डेस्क पे या फिर टेबल पे रख के ही काम कर सकते हैं ओके डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में प्रॉब्लम होती है ठीक है क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है ओके okay? सेकेंड इज लैपटॉप लैपटॉप इज पॉलर देना डेस्कटॉप लैपटॉप डेस्कटॉप से छोटा होता है और हम लैपटॉप को अपने लैप पे भी रख के काम कर सकते हैं और हम लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह पे भी लेके जा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज टैबलेट एंड स्मार्टफोन अ टैबलेट एंड अ स्मार्टफोन आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज स्मॉलर देन अ लैपटॉप टैबलेट और स्मार्टफोन्स लैपटॉप से भी छोटे होते हैं और स्मार्टफोन तो टैबलेट से भी छोटा होता है ठीक है हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन्स को ईजीली कैरी कर सकते हैं ठीक है दट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास वी विल मीट यू इन द Next class. Okay.